ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, वन डायगनल इज 12 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द अदर डायगनल। हमको ये देखो रोमबस दे रखा है, ठीक है ना, इसमें एक साइड है 10 सेंटीमीटर की, मान लेते हैं बीडी जो है वो 12 सेंटीमीटर का, ठीक है ना, तो बीओ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बीडी यानी 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये हो गया 90 डिग्री के अपोजिट साइड, यानी हो जाएगी हमारी हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो अब आ जाओ सॉल्व करते हैं, क्या कौन सा थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो यानी 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस सी ओ का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको इधर ले आओ, 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू सी ओ स्क्वायर, मतलब 100 माइनस 36, 100 माइनस 36 इज इक्वल टू सी ओ। तो इस सी ओ का स्क्वायर अंडर रूट लगा दो, अंडर रूट ऑफ 64 बराबर सी ओ, तो सी ओ क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 8 सेंटीमीटर आ गया। क्या चाहिए हमको, ए सी चाहिए मतलब दुगना, तो ए सी क्या हो जाएगा 8 इंटू 2 मतलब 16 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन मिला, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा।